प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, जय मसीह की। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे और हमने बाइबल में ये पढ़ा है, लेकिन हम कई बार बाइबल में ये खोजने की कोशिश करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों की मृत्यु किस प्रकार हुई, पर हमें ये वर्णन बाइबल में नहीं मिलता। अरे भाई, इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पर लिखा ही नहीं है। तो मैं आज आप लोग को बताऊँगा कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों की मृत्यु कैसे हुई। तो सबसे पहले आता है पतरस। हम सब यही सोचते हैं कि पतरस की मृत्यु किस प्रकार हुई। पतरस की मृत्यु एडी 64 से लेकर 68 के बीच में इतिहास के अनुसार रोम देश के वेटिकन सिटी के टैबोर नदी के किनारे क्रूस पर उल्टा लटकाकर हुई। पतरस को क्रूस पर उल्टा इसलिए लटकाया गया क्योंकि पतरस ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं कि मेरे प्रभु के समान मुझे सीधा लटकाया जाए, इसलिए मुझे क्रूस पर उल्टा लटकाया जाए, और पतरस को क्रूस पर उल्टा इसलिए लटकाया गया। अंद्रियास, जो प्रभु यीशु मसीह का पहला चेला कहा जाता है। अंद्रियास रशिया, रोमानिया, यूक्रेन, स्कॉटलैंड, इन देशों में भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर गया था। अंद्रियास को 30 नवंबर 60 एडी ग्रीस के पेट्रास में एक साकार की क्रूस पर, जो सेल्टायर भी कहा जाता है, चढ़ाकर मार दिया गया। जब्दी का पुत्र याकूब। 12 शिष्यों में सबसे पहले याकूब की मृत्यु हुई और बाइबल में केवल याकूब की मृत्यु का वर्णन किया गया है। एडी 44 में याकूब को राजा हेरोदेस ने यरूशलेम में उसका गला कटवाकर उसकी मृत्यु करवा दी थी। जब्दी का पुत्र यूहन्ना। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का प्रिय शिष्य था। यूहन्ना ने पैटमोस नामक टापू पर बाइबल की सबसे आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य और उसकी 3 पत्रियां लिखी। यूहन्ना की मृत्यु एडी 100 में स्वाभाविक रीति से हुई। यूहन्ना केवल एक ऐसा चेला है जिसकी मृत्यु स्वाभाविक रीति में हुई। फिलिपुस को तुर्की देश के हीरापोलिस में लोहे के कांटे में उल्टा लटकाकर मार दिया गया। बर्थुलमै, एशिया माइनर में कोड़े मार मार कर बर्थुलमै की मृत्यु हो गई थी। थॉमा ने ही सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भारत में लाया था। इतिहास के अनुसार ईडी 72 21 दिसंबर को भारत में थॉमा को भाला मारा गया था और भाले से ही थॉमा की मृत्यु हो गई थी। मत्ती चुंगी लेने वाला, मतलब टैक्स लेने वाला एक पुरुष था। प्रभु यीशु ने उसे वहां से बुलाया। उसने प्रभु यीशु के संग रहते हुए बहुत से चिन्ह चमत्कार देखे। मत्ती की मृत्यु 1 AD में टर्की के हीरापोलिस या इथोपिया में हुई, इतिहासकारों का ऐसा कहना है। और एडी 1080 में इतिहास के अनुसार इटली के सालेर्नो में उनके अवशेष मिले। हल्फई का पुत्र याकूब। ऐसा कहा जाता है कि एडी 62 में याकूब यरूशलेम में प्रचार कर रहे थे और लोगों ने उन्हें ऊंची दीवार से नीचे फेंक दिया, फिर भी वे न मरे। बाद में लोगों ने नीचे आकर उन्हें मार डाला। तद्दय, जिन्हें यहूदा भी कहा जाता है। बाइबल में इनके बारे में ज़्यादा कुछ वर्णन पाया नहीं जाता। इतिहास के अनुसार 1 AD में आर्मेनिया के राज्य में इन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। शमौन कनानी, जिन्हें शमौन जलादस भी कहा जाता है। बाइबल में इनके बारे में ज़्यादा कुछ वर्णन पाया नहीं जाता। इतिहास के अनुसार इनकी मृत्यु एडी 65 या 107 में पर्सिया, जिसे ईरान भी कहा जाता है, क्रूस पर चढ़ा के हुई। मत्तया, प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण होने के बाद यहूदा इस्करियोतियों के पद पर मत्तया चुना गया। बाइबल में इनके बारे में भी कुछ ज़्यादा वर्णन पाया नहीं जाता। इनकी मृत्यु इतिहास के अनुसार एडी 80 में यरूशलेम में पथराव के द्वारा हुई।